जय सियाराम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, राधे राधे। और ये वीडियो है 1 जनवरी को, तो ये वीडियो काफ़ी लेट मिल रहा है। उसका कोई रीज़न है जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई और एकदम ब्लैक हो गया था पूरी, मतलब डिस्प्ले चली गई थी और मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मेरा फ़ोन गिर गया है। और उसके बाद जब पता चला तब पतिदेव लेके आए फिर से नई डिस्प्ले डलवा के, और जो है बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है। अब की बार 2-3 बार हम इसको बहुत जल्दी जल्दी मतलब बनवा चुके हैं, तो अब समझ नहीं आ रहा वैसे कुछ ये फ़ोन। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा पुलाव, तो मैं ना ऐसे ही बना लेती हूँ, वो उबाल उबाल के फिर से फ्राई व्राई करने का झंझट नहीं रहता है। तो मैं पहले वॉश करके रख देती हूँ और उसके बाद धो के अच्छे से 2-3 पानी में, और उसके बाद घी में कस के फ्राई करके उसके बाद डाल देती हूँ बराबर वाटर, तो बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि पनीर की तैयारी अभी नहीं हो पाई है, आ तो गया था शाम को ही, बट सोच रहे हैं पहले इसमें तल वल लेते हैं उसके बाद बनाएंगे इसी कढ़ाई में। और सब पूड़ियों की जो कढ़ाई होती ना होती है उसमें सब्जी का अलग ही टेस्ट आता है, अच्छी बनती है। तो जब भी कभी जल्दी नहीं होती है किसी को खाने की तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, और नहीं तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तो अच्छी लगती हैं, बाद में ही बनाती हूँ। बट खाने वाला कोई था नहीं इसलिए बना के रख दी। तो ये यहाँ पर बन रही हैं हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो यही था वीडियो लेट आने का कारण, देख सकते हैं कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही, बहुत ही प्यारी प्यारी, जिसको खाना वो आ सकता है गर्म गर्म पूड़ियाँ। पर वेट करना पड़ेगा, अभी सब्जी नहीं बनी है। और अब ये यहाँ पर हो रहा है पनीर कट, और इसको करेंगे फ्राई, क्योंकि यहाँ पे हाँ बात भी हो रही थी फ्रेंडों से, न्यू ईयर था तो कई सारे लोगों के फ़ोन आए और हमने भी किए कई जगह, तो वही बातें भी चल रही थी और साथ साथ में हो रहा था हमारा काम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा बताइएगा कमेंट में। और छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम ऐसे ही, और इसको फ्राई करेंगे। और डुग्गू बिट्टू सारे लोग बाहर खेल रहे हैं, मस्त हैं सब। और ये हमारा पनीर जो है कट हो चुका है, उसके बाद चला दी हमने कढ़ाई। तो कुछ लोगों ने तो कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन किया होगा, बट हमारा सेलिब्रेशन हमेशा की तरह ऐसे ही था, घर पे अच्छे अच्छे चीज़ें बनाओ, खाओ, इन्जॉय करो मस्त। और ये रहा पनीर, देख सकते हैं शाम को भी पूरी बनी थी, क्योंकि इस समय ना ठंडी बहुत हो रही है। और ये रहा मसाला जिसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया है, हल्दी, मिर्चा, धनिया, खड़े मसाले और कुछ खड़े मसाले जो कुछ भी है सारा कुछ मिक्स कर लिया है, और सारा एक साथ में मिक्सी में पिस जाएगा। इसमें ना थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन मसाला पकाते वक्त टाइम बहुत लगता है अगर हम एक ही में सारा कुछ ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि जार होता है बड़ा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, नहीं बन पाती। इस वजह से मजबूरी में जो है हमको ऐसे बनाना पड़ता है। और यहाँ पर हो चुका है मसाला, जा रहा है पकने, तो हमारा जो है मसाला हो चुका है रेडी। और ना इस समय ठंडी जो है, जनवरी में तो वैसे भी ठंडी बढ़ी जाती है, और जनवरी में नहीं होगी तो फिर कब होगी। तो रोटियां तो समझ में नहीं आती, बस वही पूरी पराठे यही सब बनता रहता है। तो आप देख सकते हैं लो कढ़ाई की जो हालत हो रखी है, क्योंकि कितना भी क्लीन करो ठंडियों में कढ़ाई क्लीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों टाइम का रहता है, पराठे पूड़ी यही सारा कुछ बनना होता है। और खा के हो रहे हैं मोटे, देख सकते हैं। और एक फ्रेंड थी जिसकी कॉल आई थी, बहुत दिन बाद जो है उससे बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी
नंबर नहीं था मेरा उसके पास, फ़ोन ख़राब हो गया था, डिलीट हो गया, यही सारी बातें हो रही थी। बहुत मज़े किए और बातें करते करते हमारा खाना भी बन रहा है, साथ में तेल हो चुका है गरम और हमारा प्याज भी पक चुका है, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। ये रहा मसाला जो चाय का कढ़ाई में। ये देख सकते हैं, और ना धनिया पत्ती भी मैंने साथ में ही डाल दी, क्योंकि मुझे बाद में वो ऊपर से डाली गई धनिया पत्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कच्ची सी रह जाती है, हमको नहीं समझ आती, इसलिए मैं हमेशा जो है मसाले में ही डाल लेती हूँ। कुछ लोग ऊपर से डालते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखती है, मतलब हरी हरी दिखती है, बट मुझको नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैं मसाले में पका लेती हूँ। और उसके बाद गया ये पनीर, तो मैंने थोड़ा सा दिखाएंगे भी, थोड़ा सा पानी डाला था, तो आपको जैसी ग्रेवी रखनी हो आप रख सकते हो, आजकल तो कोई खास नहीं है, सबको बनाना आता है। ये देख सकते हैं, कोशिश की थी थोड़ा अच्छे से बनाने की। तो ये हमारा जो है पनीर बनके हो रहा है रेडी, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, जिसको खाना हो आ सकता है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो बताना कमेंट में, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना आपकी मर्जी। खाना वाना बन चुका है और उसके बाद मशीन में पड़े थे कपड़े जो कि वॉश हो चुके हैं, बात करते करते सारा काम हो चुका है। और यहाँ पर अब कपड़े निकाल के थोड़ा सा ड्राई व्राई करके फैला देंगे, ये भी सूख जाएंगे। तो हम लेडीजों का यही रहता है डेली का काम, डेली रूटीन, कुछ भी समझ लो, वैसे ही शुरुआत, न्यू ईयर हो या ओल्ड ईयर हो, सब बराबर ही होते हैं हम लोगों के। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।